दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल पमार यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्निकल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है राजा और इस वीडियो में हम अनबॉक्सिंग करने वाले उस कंपनी के फोन की जिसको बच्चा बच्चा जानता है, नोकिया। इस वीडियो में हम नोकिया 2 की अनबॉक्सिंग करेंगे। इसके मैं आपको सारे फीचर्स भी बता दूंगा, ये क्या प्राइस रेंज में लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, इसके प्लस पॉइंट्स, इसके माइनस पॉइंट्स, क्या क्या इसमें कमियां हैं, क्या क्या इसमें खूबियां हैं, वो सारी मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करके जाना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलिए अनबॉक्सिंग शुरू करते हैं। मित्रों ये है हमारा नोकिया 2। आपको फ्रंट साइड में बॉक्स के देखोगे तो नोकिया की ब्रांडिंग मिल जाएगी, नीचे लिखा हुआ है नोकिया 2 ऑन एंड्रॉयड TM ट्रेडमार्क। साइड में आप लिखे हुए स्पेक्स देख सकते हो, एंड्रॉयड 7.1.1 नूगट लिखा हुआ है। और बैटरी की बात करें तो 4100 mAh की बैटरी है और डिस्प्ले आप इसकी 5 इंच की LTPS IPS है। एलुमिनियम की साइड फ्रेम मिल जाएगी आपको बॉडी की। और प्रोसेसर की बात करें तो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 212 का है जो क्वाड कोर 1.3 GHz पे बेस्ड है। और 4G LTE वोल्टी आपको रेडी मिल जाएगा। कैमरा आपको बैक कैमरा 8 मेगापिक्सल का मिल जाएगा ऑटो फोकस के साथ और फ्रंट कैमरा 5 मेगापिक्सल मिल जाएगा स्क्रीन फ्लैश के साथ। बात करें बॉक्स MRP की तो बॉक्स पे आपको MRP 7,399 लिखी हुई मिल जाएगी। आप ऑफलाइन मार्केट से परचेज करोगे तो 7,000 का पड़ेगा, ऑनलाइन से परचेज करोगे तो 6,999 का पड़ेगा। तो चलिए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। तो आप देख सकते हो कि ये आपको पूरा पैक मिल जाएगा और चलिए देखते हैं बॉक्स कंटेंट क्या क्या है। तो ये यूज़र मैनुअल नोकिया 2 की और आपको एक डाटा केबल, एक एडाप्टर रेटिंग देख लेते हैं कितनी रेटिंग क्या है। तो आपको ये 5 वोल्ट आउटपुट मिलेगा, 5 वोल्ट 2 एम्पियर का मil जाएगा जो कि आपके 4000 mAh की बैटरी को चार्ज करने में लगभग ढाई से तीन दो से ढाई घंटे ले लेगा। और ईयरफोन की बात करें तो ईयरफोन वहीं आपने नॉर्मल मिल जाएंगे आपको, जो सब नोकिया के फ़ोन बेसिक फ़ोन में भी आते हैं यही माइक्रोसॉफ्ट वाले। बॉक्स कंटेंट को साइड करके करते हैं फ़ोन का ओवर रिव्यू। बात करें डिज़ाइन की तो फ्रंट साइड में आपको 5 इंच की LTPS IPS 720p वाली डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। ऊपर की साइड आपको नोकिया की ब्रांडिंग, 5 मेगापिक्सल का कैमरा, पीछे की साइड 8 मेगापिक्सल का कैमरा, LED फ्लैश, नोकिया की ब्रांडिंग। आपको साइड में स्पीकर भी देखने को मिल जाता है सिंगल। वॉल्यूम की और पावर बटन आपको सामने से राइट साइड में देखने को मिल जाएंगे। नीचे के साइड माइक्रो USB पोर्ट दिया हुआ है चार्जिंग के लिए, साइड में माइक दिया हुआ है, ऊपर की साइड 3.5 mm का ऑडियो जैक दिया हुआ है, आप ईयरफोन लगा के सॉन्ग सुन सकते हो, कॉलिंग कर सकते हो। बात करें इसकी सिम ट्रे की तो आपको इसमें नॉन हाइब्रिड सिम स्लॉट मिलता है, जो ये ढक्कन है पीछे की साइड खुलता है तो आप इसको खोल के मैं आपको दिखा देता हूँ। ऊपर की साइड आप देखोगे तो फर्स्ट सिम, सेकंड सिम एंड माइक्रो SD कार्ड दोनों साथ में, दोनों का पोर्ट साथ में दिया हुआ है। और बैटरी जो है वो नॉन रिमूवेबल है 4100 mAh की, इसे आप रिमूव नहीं कर सकते। अगर आपको कोई दिक्कत आती है बैटरी में तो आप सर्विस सेंटर जाए, वहाँ से ये रिपेयर हो जाएगी या आप इसे चेंज करवा सकते हो अगर मिस्टेक आने पे। तो फ़ोन का ओवर व्यू देख लेते हैं, इसमें आपको इंटरनली क्या क्या फीचर्स मिलते हैं, क्या फंक्शंस है। तो ये है एंड्रॉयड 7.1.1 नूगट पे, प्योर एंड्रॉयड पे ये वर्क कर रहा है। और इसका इंटरफेस आप देखोगे तो एकदम क्लीन है, जो गूगल की एप्स है वही दी हुई है आपको। इसमें वॉइस असिस्टेंट देखने को मिल जाता है। बात करें इसके कैमरे की तो कैमरा आपको बैक कैमरा 8 मेगापिक्सल का, इसकी मैं आपको फ़ोटो इस डिस्प्ले पे दिखा देता हूँ। तो ठीक ठाक इसकी क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी आ रही है, 8 मेगापिक्सल कैमरे के अकॉर्डिंग अच्छी आ रही है कैमरा क्वालिटी, विद फ्लैश के साथ और भी अच्छी आती है, विदाउट फ्लैश के अच्छी आ रही, ठीक ठाक आ रही है। और फ्रंट साइड में आपको 5 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिल जाता है विद स्क्रीन फ्लैश के साथ, 5 मेगापिक्सल के अकॉर्डिंग सेल्फी ठीक ठाक आ रही है, अच्छी आ रही है सेल्फी। बात करें इंटरनली फीचर्स की एंड्रॉयड नूगट के, तो आपको इसमें नूगट का जो एक मुझे पर्सनली बहुत पसंद है जो फीचर्स, वो है स्प्लिट स्क्रीन का, कि आप वन टाइम में दो एप्लीकेशनें चला सकते हो, एक एक टाइम में आप दो एप्लीकेशनें एक साथ यूज़ कर सकते हो।
इसका ये बेनिफिट रहेगा कि अगर आपको WhatsApp पे मैसेज आता है तो आप नीचे YouTube चला सकते हो या नीचे WhatsApp का मैसेज, आप दो एप्लीकेशन एक साथ यूज़ कर सकते हो। पर ये फीचर्स हर किसी एप्लीकेशन के लिए लागू नहीं होता है। जैसे कुछ सिक्योरिटी से रिलेटेड एप्लीकेशन होती है, जैसे बैंक की एप्लीकेशन हो गई, पेटीएम हो गया, वो इसमें आपके स्प्लिट स्क्रीन में रन नहीं करेगा। बाकी आप नॉर्मली कोई एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हो स्प्लिट स्क्रीन में एक साथ दो। और बात करें इसकी बैटरी की, तो आपको बैटरी बैकअप अगर आपका नॉर्मल यूजेज है तो आप यूज़ करते हो, नॉर्मली यूज़ करते हो, नेटवेट लिमिटेड यूज़ करते हो, तो आपके दो दिन बैटरी बैकअप चल जाएगा। अगर आपका हैवी यूज़ है तो एक दिन बैटरी बैकअप आराम से ये खींच लेगा। और कॉलिंग का यूज़ है तो दो से ढाई दिन ईजीली ये आपके चला लेगा बैटरी बैकअप। जैसे बात करें इसकी रैम रोम की, तो 1 GB की रैम है, 8 GB की इंटरनल स्टोरेज है। अगर आप नॉर्मल व्हाट्सएप या दो तीन एप्लीकेशन आप यूज़ करते हो तो उसके लिए आप इसे चला सकते हो। और अगर आपका हेवी यूज़ है तो आप इसको आप बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करूँगा। आप अगर आपका हेवी यूज़ है तो आप नोकिया का N3 ले सकते हो। अगर आपका ज़्यादा यूजेज है, अगर आपको उससे भी आपका ज़्यादा यूजेज है तो आप नोकिया का 6 ले सकते हो, नोकिया 8 ले सकते हो, नोकिया 5 ले सकते हो, जो कि काफ़ी अच्छे काफ़ी अच्छे फ़ोन है। तो मैं आने वाले वीडियो में नोकिया 6 की अनबॉक्सिंग की वीडियो लेकर आऊँगा। जो नोकिया 6 है वो उसका लुक और उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। ये तो हो गया इसके प्लस पॉइंट। इसके माइनस पॉइंट ये है कि इसमें जो इस रेंज में 7000 की रेंज में 1 GB रैम दी है और 8 GB इंटरनल स्टोरेज दी है, जहाँ तक इसमें रैम देनी चाहिए थी एटलीस्ट 2 GB देनी चाहिए थी रैम, या रैम 1 GB कर देते तो 16 GB इंटरनल, क्योंकि आज के टाइम में 1 GB 8 GB से इस रेंज में इतना नहीं होता। अगर इसकी रेंज करते थे 6500 तक, तब तक बढ़िया थी। बाकी इसमें जो 7000 की रेंज में 4100 mAh का जो बैटरी पैक दिया है वो सबसे बेस्ट है। वैसे इसे मान सकते हैं कि 4100 mAh की बैटरी है तो अच्छी बात है। तो आप उन लोगों के लिए परचेज़ कर सकते हो जिनका यूज़ कम रहता है फ़ोन का, जिनका नॉर्मल यूज़ रहता है। चाहो तो ये आप खुद के लिए भी परचेज़ कर सकते हो, या आपके घर में जैसे मम्मी पापा उनके, अगर उनके लिए आप फ़ोन ढूंढ रहे हो तो आप ये नोकिया का ले सकते हो, नोकिया 2। तो मित्रों ये था मेरा इस फ़ोन के बारे में ओपिनियन। अगर आपको ये फ़ोन पसंद आता है तो ज़रूर से इसे परचेज़ कीजिएगा, और लिंक डिस्क्रिप्शन में आप वहाँ से जाके परचेज़ कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो का आप लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा।